नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं गेट नॉलेज चैनल। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं आहूजा का CMA4400 एम्पलीफायर, जो कि एक कॉन्फ्रेंस सिस्टम में यूज़ किए जाने वाला एम्पलीफायर है। इस वीडियो में हम लोग इसके फ्रंट पैनल और बैक पैनल के बारे में बताएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी दिनों से मैं इस तरीके की वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एक्चुअल में मेरे पास ये जो इक्विपमेंट है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं इस तरीके के इमेज और जो मैनुअल रहता है उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आती भी होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल में नए हैं, और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ चीज़ समझ में आता है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, ताकि मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिले और मैं इस तरीके की वीडियो और ला सकूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फ्रंट पैनल का। तो फ्रंट पैनल में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तीन माइक मिल जाता है, माइक 1, माइक 2, माइक 3। जो कि माइक 1 है, यहाँ पर आपको बैलेंस इनपुट मिल जाता है, यहाँ पर डाल सकते हैं बैलेंस माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी माइक 2 और माइक 3 में आप जो नॉर्मल कॉर्डलेस माइक है और जो नॉर्मल माइक रहता है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ऑक्स का। तो ऑक्स तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे आपका सीडी प्लेयर या फिर लैपटॉप वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं म्यूजिक प्रोवाइड करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपके दो फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मिल जाते हैं, जो कि बेस और ट्रेबल है। एक है आपका लो फ्रीक्वेंसी और दूसरा आपका हाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पे मास्टर दिया हुआ है। जो मास्टर है पूरा एम्पलीफायर का गेन जो आउटपुट देना रहता है, आउटपुट बाहर जाता है उसको कंट्रोल करता है आउटपुट का वॉल्यूम को, तो यहाँ से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर लास्ट जो मेन चीज़ आ जाता है वो है लाइन, जो कि कॉन्फ्रेंस सेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। जब आप बहुत सारे माइक एक कनेक्ट करते जाएंगे तब आप उसको उसका जो फ्रीक्वेंसी उस यहाँ से सेट कर सकते हैं, जो भी वैल्यू है आप अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आपको लेवल इंडिकेशन मिल जाता है और नीचे में आपको ऑन का इंडिकेशन मिल जाता है और यहाँ पे एक स्विच मिल जाता है ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, फ्रंट पैनल में इतना ही था। अब जो मेन चीज़ है वो बैक पैनल में, मैं आपको वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या चीज़ इसमें दिया हुआ है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ इसके बैक पैनल की तरफ। तो ये इसका बैक पैनल है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बैक पैनल कुछ इस तरीके से है, ये रहा। तो जैसे मैंने बताया माइक 1 जो है आपका, ये यहाँ पे आपका कनेक्ट होगा। एक मिनट मैं आपको ना इसका यूज्ड वाला मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ये माइक 1 है, जहाँ पे आप एक बैलेंस माइक्रोफोन कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो दो माइक है वहाँ पे आप एक कॉर्डलेस या फिर जो आपका दूसरा माइक्रोफोन है वो कनेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको ऑक्स मिल जाता है, ऑक्स जो रहता है जहाँ पे आप अपने जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि आपका सीडी प्लेयर और दूसरी चीज़ है, वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं ऑक्स में। फिर आ जाता है प्री आउट रिकॉर्ड आउट, जो कि नॉर्मली रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। यहाँ से आप अपना लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं रिकॉर्डिंग के लिए। अगर आप कुछ रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं तो आप लैपटॉप कनेक्ट कर लीजिए, या फिर कोई दूसरा एम्पलीफायर जिसके थ्रू आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक आपका जो आपका TSR सॉकेट रहता है जिसको फ़ोन जैक बोलते हैं, ये वाला आपका उसके थ्रू भी आप कर सकते हैं, या फिर आप जो RC जैक रहते हैं उनके थ्रू भी आप केबल कनेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है लाइन आउट। लाइन आउट जैसे मैंने पहले भी बताया था, जो भी इसमें सिग्नल आपका देंगे उसको आप दूसरे एम्पलीफायर में दे सकते हैं लाइन इन के थ्रू। जैसे लाइन आउट से यहाँ से दिए, फिर इसके एम्पलीफायर के लाइन इन में आप कनेक्ट कर दीजिए, आपका जो भी सिग्नल इसमें आ रहा होगा वो इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाता है सेंड एंड रिटर्न। ठीक है, अब ये जो रहता है आपका यहाँ पे फीडबैक डिस्ट्रॉयर लगता है, जिसको ग्राफिक इक्वलाइजर बोलते हैं। ये आपका जो आपका वॉइस रहता है एकदम एक्यूरेट करने के काम आता है, मतलब कोई भी डिस्टॉर्शन उसके अंदर नहीं होता है। फिर यहाँ पे ऑटो माइक स्विच ऑफ का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर ये मेन चीज़ आ जाता है जहाँ पे आप लाइनिंग करेंगे जितने भी आपके माइक्रोफोन रहेंगे। ठीक है, अब किस तरीके से लाइनिंग करेंगे वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 8 पिन का आपका केबल लगता है एक, फिर वो कनेक्ट होता है आपका जो माइक्रोफोन रहेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ से कनेक्ट हुआ, फिर यहाँ से लिंक होकर दूसरे में जाएगा, और फिर यहाँ पे N लिखा है, मतलब यहाँ पे आप काफ़ी सारे माइक जोड़ सकते हैं। तो उसको कनेक्ट कीजिए और उसके बाद इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर दीजिए इसके नेक्स्ट पॉइंट में। ठीक है, इस तरीके से आपका जो पेयरिंग है पूरा हो जाएगा और यहाँ पे आपको पूरा सेक्शन जो आपका काम करने लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको मिल जाता है इसका सप्लाई सेक्शन। सप्लाई सेक्शन में आपको 3 एम्पीयर का फ्यूज़ रहता है और जो सप्लाई की रिक्वायरमेंट रहती है वो 220-240 वोल्ट रहती है, जो कि हमारे नॉर्मल फ्रीक्वेंसी जो 50 हर्ट्ज़ है उसमें चलता है। ठीक है, फिर ऊपर में आपको यहाँ मिल जाता है DC सप्लाई सेक्शन, जहाँ पे आप 24 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करके इसमें आप रन कर सकते हैं इस एम्पलीफायर को। जैसे कि 12-12 वोल्ट की दो बैटरी को सीरीज में कनेक्ट करके आप 24 वोल्ट बना के यहाँ पर आप रन कर सकते हैं। फिर यहाँ पर दो सेक्शन आ जाता है जो कि हमारा आउटपुट सेक्शन है। एक है यहाँ पर आपको मिल जाता
जाता है वोल्ट लाइन, और यहाँ पे आपको ओमिक लाइन का सेक्शन मिल जाता है। वोल्ट लाइन में आप यहाँ पे देख सकते हैं आप वॉल स्पीकर, हॉर्न स्पीकर्स जिसको ड्राइवर यूनिट बोलते हैं वो कनेक्ट कर सकते हैं, कॉलम स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं, सीलिंग स्पीकर्स कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारे चीज़ यहाँ पे अपने हिसाब से आप कनेक्ट कर लीजिए। और अगर आपको स्पीकर वगैरह कनेक्ट करना है तो आप ये वाला सेक्शन यूज़ करेंगे जो कि हम लोग ओमिक लाइन बोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओमिक सेक्शन में आप कॉम 4 ओम्स, कॉम 8 ओम्स या फिर कॉम 16 ओम्स में आप कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बैक पैनल में इतना ही था, और मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। जैसे कि कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड है, तो देखिए इस तरीके से आप अपना जो पेयरिंग है कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको थोड़ा और लेंथ बढ़ाना है तब आपको एक कॉन्फ्रेंस एक्सपेंशन यूनिट का यूज़ करना पड़ता है, जो कि और क्योंकि केबल ज़्यादा रहेगा तो इसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, और रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आपका जो फ्रिक्वेंसी है इसका कम आने लगेगा, जो भी माइक का जो आपका रिस्पॉन्डेंस रहता है वो कम आने लग जाएगा, बहुत कम रिस्पॉन्स करेगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस एक्सपेंशन यूनिट लगाया जाता है जब आपको ज़्यादा माइक्रोफोन की कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा कॉन्फ्रेंस CMA4400 के लिए आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कनेक्शन केबल, एक्सटेंशन केबल आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से रहता है, और यहाँ पे जंक्शन बॉक्स है जो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा आगे किस लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।